लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबके मिटाए कष्ट कलेश ईश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है समय की सीमा श्री गणेश है अंत आरंभ व मध्य यही है भक्ति की ये देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति की ये देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है से परिचय करवाने वाली भक्ति हूँ मैं भक्ति की ओर हर जीवन को प्रेरित करने वाली पूजा हूँ देवांतक स्वर्ग पर और नरांतक पृथ्वी पर असुर साम्राज्य की स्थापना का प्रण करता है स्वर्ग में बृहस्पति और नारद इंद्र को सावधान करते हैं किंतु दिति की आज्ञा अनुसार देवांतक स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है और उधर इन घटनाओं से अनजान पृथ्वीवासी ऋषि मुनि श्री महागणेश का नाम स्मरण कर रहे हैं ओम महागणेशाय नमः स्वाहा ओम महागणेशाय नमः स्वाहा
Om Mahaganeshaya Namaskar. Om Mahaganeshaya Namaskar. Om Mahaganeshaya Namaskar. Jai Mahaganeshaya Namaskar. Om Mahaganeshaya Namaskar. Om Mahaganeshaya Namaskar. Anyatha tum sab hamara bhojan ban jaoge. Om Mahaganeshaya Namaskar. Kya tumne nar jati ka ant karne wale महाशक्तिशाली असुर नरांतक का आदेश नहीं सुना? तुम हमें श्री महागणेश की पूजा करने से क्यों रोक रहे हो? श्री महागणेश का पूजन हर जीव का परम कर्तव्य है। अब से केवल मेरी पूजा करना ही तुम सबका परम कर्तव्य है। मुझसे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं। तुम सब मेरी पूजा करो, मुझे पसंद करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो वो महागणेश नहीं दे सकता। श्री महागणेश का नाम आदर से ले दुष्, अन्यथा परिणाम तेरी मृत्यु होगा दुष्। वे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नेश्वर हैं, उनके क्रोध को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा। मेरा अंत? रक्षा करो श्री महागणेश। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अब हम सहायता के लिए किसको पुकारें? नारायण नारायण। देवगण, इस समय हमारी सहायता एवं रक्षा श्री महागणेश के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हमें उन्हीं का आह्वान करना चाहिए। रक्षा करें श्री महागणेश। असुर देवांतक और नरांतक के आतंक से हमारी रक्षा करें। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश, आपके संसार में इस समय आसुरी शक्तियों की विघ्न बाधाओं का पर्वत उठ खड़ा हुआ है, रक्षा करें। श्री महागणेश, इन महाशक्तिशाली असुरों के आतंक से आपकी संपूर्ण सृष्टि में धर्म का नाश हो रहा है। श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक ने आपकी महान सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, कृपया उन्हें दंड दें और हमारी रक्षा करें। हे सर्वेश्वर, हमारी रक्षा करें। हे विघ्नेश्वर, हमारी रक्षा करें।
हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर धर्म की रक्षा हे तू आओ आसुरी बल से हमको बचाओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर झूठ कपट की बाधा हटाओ झूठ कपट की बाधा हटाओ पीड़ित है प्रभु पीड़ा मिटाओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर दसों दिशाएं धराए अंबर भय से कांप रहे हैं थर थर दसों दिशाएं धराए अंबर भय से कांप रहे हैं थर थर आके सबको धैर्य बंधाओ आके सबको धैर्य बंधाओ धर्म की रक्षा है तू आओ सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर अर्थ में ना खो जाए कार्य अशुभ ये ना हो जाए अर्थ अनर्थ में ना खो जाए कार्य अशुभ ये ना हो जाए तमको उजियारा दिखलाओ तमको उजियारा दिखलाओ धर्म की रक्षा हे तू आओ हे सर्वज्ञ सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर प्रहार करके दैत्य जनों का संहार करके महाक्रोध से प्रहार करके दैत्य जनों का संहार करके
नाम को अपने मान दिलाओ, नाम को अपने मान दिलाओ, धर्म की रक्षा हे दुआओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर, हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर, धर्म की रक्षा हे तू आओ, आसुरी बल से हमको बचाओ, हमको बचाओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर, हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर, हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर, हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। परम देव प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, सर्वेश्वर श्री महागणेश की जय। किंतु जीवन प्राप्त करने वाली जीवात्मा की आयु जब तक शेष है हम उसका वध नहीं करेंगे। अर्थात श्री महागणेश? अर्थात हमारी इच्छा से जीवन प्राप्त करने वाली हर जीवात्मा अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होती है। वे अपने सत्कर्मों द्वारा महागणेश लोक प्राप्त कर सकती है तथा अपने दुष्कर्मों से नरक की भागी बन सकती है। किंतु 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 क्या श्री महागणेश? किंतु ये सब कुछ तभी संभव है जब जीवात्मा अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर ले। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जीवन के साथ साथ ही आरंभ होती है मृत्यु की यात्रा। जीवन के हर पल में जीवात्मा मृत्यु की ओर बढ़ रही है। इसी कारण हम जीवात्मा के हर पल का तथा हर कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। श्री महागणेश, क्या देवांतक और नरांतक की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई? कृपया बताएं श्री महागणेश। उद्विग्न न हो देवराजेंद्र, हमने आपको पहले ही सावधान किया था। आपके माता व पिता के संस्कारों के प्रभाव के कारण आपको देवराज पद अवश्य प्राप्त हुआ है। किंतु इस पद पर आप अपने सत्कर्मों द्वारा ही स्थिर रह सकते हैं। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले परम देव श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक के आतंक से हम सभी व्यथित और उद्विग्न हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। महागणेश क्षमा करें। देव गुरु बृहस्पति, देवांतक तथा नरांतक का वध स्वयं हमारे द्वारा हमारे महोदर अवतार में ही होगा। बहोदर अवतारी परम देव श्री महागणेश की जय। बहोदर अवतारी परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। किंतु विधि के विधान अनुसार हमारे महोदर अवतार में अभी समय शेष है। हे सर्वेश्वर श्री महागणेश, आपकी प्रार्थना करने वाला कभी निराश नहीं होता। हम आप सबको भी निराश नहीं करेंगे देवी शची। जिस प्रकार देवी दीति के आह्वान पर
देवांतक तथा नरांतक जागृत हुए, इसी प्रकार हमारी इच्छा मात्र से वे पुनः पाताल अचेत हो जाएंगे। परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश जी की जय। श्री महागणेश जी की दुष्ट देवांतक तथा नरांतक तुम्हारा अंत समय आ गया है। सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। असुर नरांतक ने ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार किए और देवांतक के भय से उद्विग्न देवताओं ने श्री महागणेश का स्मरण किया। श्री महागणेश ने दोनों दुष्ट असुरों को दंडित किया। अहंकारी दक्ष ने अपनी पुत्री दिति की उपेक्षा के कारण उसके पति ऋषि कश्यप को प्रताड़ित किया और एक महान यज्ञ की घोषणा की। हाँ मंत्री। आज्ञा महाराज। तुम क्या कहने के इच्छुक हो? मैं सत्य कह रहा हूँ पृथ्वी सम्राट। राजकुमारी दीति ने जिन पातालवासी असुरों देवांतक और नरांतक का आह्वान किया था उन्हें स्वयं परम देव श्री महागणेश ने दंडित किया है। हाँ गणेश। महागणेश का हस्तक्षेप हमारे पृथ्वी लोक पर बढ़ता ही जा रहा है। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ये समस्त संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा मात्र से उत्पन्न हुआ है। हुआ होगा, किंतु पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने से पहले महागणेश को हमारी स्वीकृति लेना आवश्यक है, अन्यथा हम उनके हर कार्य का विरोध करेंगे। स्वामी, अपने अहंकार में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। इस समस्त संसार के विघ्न बाधाओं का अंत करना विघ्नेश्वर परम देव श्री महागणेश का कर्तव्य है। महारानी वीणी, क्या तुम अपना अपमान कराने की इच्छुक हो? सत्य कह सकने के लिए अपमान तो क्या, मुझे मृत्यु भी प्रिय है। हमारी पुत्री दीति ने पातालवासी असुरों का आह्वान कर उचित नहीं किया, उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारी पुत्री दीति ने जो कुछ भी किया है वो उचित ही है। अधिकार? किसके विरुद्ध अधिकार? अपनी बहन अदिति के विरुद्ध? दीति और अदिति के मध्य तो भयानक संघर्ष चल रहा है। इसका दोषी वो दुष्ट कश्यप है। वो दुष्ट अपने आप को ऋषि कहलाने का इच्छुक रहता है। उसी दुष्ट के कारण हमारी महान पुत्रियों में भेदभाव चल रहा है। हम उसको कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हम इसी समय कश्यप आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। महामंत्री। आज्ञा महाराज।
हमारे प्रस्थान की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। पातालवासी असुरों को जागृत कर परम देव श्री महागणेश के क्रोध का परिणाम देखा तुमने? आसुरी शक्ति पराजित नहीं हुई है। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है दीदी। तुम्हारा अभियान परम देव श्री महागणेश ने इच्छा मात्र से ध्वस्त कर दिया। किंतु ध्वस्त होने से पूर्व ही मेरे अभियान ने इस संसार को भयानक विध्वंसक विस्फोटक आसुरी शक्ति का परिचय दे दिया है। किंतु लाभ क्या हुआ देवी? ये मेरा पहला प्रयास था जो कुछ सफल रहा, किंतु मेरा दूसरा प्रयास पूर्ण सफल होगा। इस संसार पर मेरे द्वारा निर्देशित आसुरी शक्ति अपना अधिकार करेगी, तब तुम जैसे पाखंडी और ढोंगियों को इस संसार में सर छुपाने का भी स्थान नहीं होगा। तुम भयंकर भूल कर रही हो दीदी। भूल तुमने की है ऋषिवर, अदिति को तेजस्वी पुत्रों की माँ बनाकर मेरा अपमान किया है, मेरी उपेक्षा की है। इसका दंड तुम्हें और इस संसार को भोगना ही पड़ेगा। प्रजापति कश्यप, मेरी पुत्री सत्य कह रही है, आपने अदिति के अतिरिक्त अपने अन्य पत्नियों की जो उपेक्षा की है उसका दंड आपको भोगना ही होगा। दक्ष प्रजापति, आप यहाँ? हाँ प्रजापति कश्यप, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि अपने पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण आपने ऋषि कहलाने का अधिकार खो दिया है। ऋषि कहलवाने का अधिकार हमने आपकी कृपा से प्राप्त नहीं किया था दक्ष प्रजापति। आपको हमारे पारिवारिक विषय में हस्तक्षेप करने का तनिक भी अधिकार नहीं है। प्रजापति कश्यप, आप हमारे क्रोध से भलीभांति परिचित हैं। मैं आपके क्रोध से भयभीत नहीं होने वाला हूँ। आप जिस प्रकार यहाँ आए हैं उसी प्रकार यहाँ से लौट जाएं। प्रजापति कश्यप, संपूर्ण पृथ्वी लोक हमारी संपत्ति है, हमें श्राप देने का तो साहस न करें आप। आप हमारी पुत्रियों के पति न होते तो अब तक आपका यह मस्तक इस भूमि पर लौट रहा होता। ये संसार मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश की इच्छा मात्र से उत्पन्न हुआ है। किसी की जीवन मृत्यु का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। अरे तुम्हारी विसात ही क्या है? यदि तुम हमारे पत्नियों के पिता न होते तो अब तक हमारा शाप तुम्हें भस्म कर चुका होता दक्ष प्रजापति। आपके दुस्साहस की तो प्रशंसा करने की इच्छा होती है ऋषि कश्यप, किंतु यदि तुमने दिति को महान पुत्रों की माता बनने का अवसर प्रदान न किया, तुम्हारे भयंकर क्रोध से संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। पिताश्री, पुत्री, पातालवासी असुरों की विध्वंसक एवं विस्फोटक शक्ति को जागृत कर तुमने हमें प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें महाशक्तिशाली पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद देता हूँ। पिताश्री, एक दिन तुम्हारे पुत्रों की भयंकर शक्ति से ये संसार थर थर कांपेगा। अभिमानी दक्ष का अहंकार
उसकी इच्छाओं को अग्नि के समान प्रज्वलित करने लगा। पृथ्वी सम्राट का पद प्राप्त करने के पश्चात भी उसके अहंकारी मन को संतुष्टि नहीं मिली। अपनी महानता के प्रदर्शन के लिए उसका मन मस्तिष्क विचलित था। अपनी धधकती हुई इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने एक महान योजना बनाई। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मदेव से भेंट करने का निश्चय किया। प्रणाम परमपिता। अपने स्थान पुत्र पृथ्वी के अधिपति दक्ष प्रजापति का प्रणाम स्वीकार करें परमपिता। पुत्र दक्ष, मैं तुम्हारे ब्रह्मलोक आने का कारण भलीभांति जानता हूं, किंतु जिस महायज्ञ के आयोजन की योजना बनाकर तुम यहां आए हो उसका उद्देश्य स्वयं स्पष्ट करो। इस महायज्ञ के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट ही है परमपिता। मैंने अपने कर्म एवं पुरुषार्थ से इस पृथ्वीलोक के अधिपति एवं प्रजापति होने का गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर लिया है। अब अपना प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मैं दिव्य महायज्ञ के आयोजन का इच्छुक हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जामाता प्रजापति कश्यप ऋषि के सत्य कथन को सुनकर ही तुम्हारे मन में अपना प्रभाव सुनिश्चित करने की भावना ने जन्म लिया है। आपका कथन पूर्ण सत्य नहीं है परमपिता। ब्रह्म वाक्य अटल सत्य होता है, इसमें असत्य की संभावना असंभव है। किंतु क्या परमपिता? तुम एक धार्मिक अनुष्ठान का महान कार्य करने जा रहे हो जिससे भविष्य की घटनाएं जुड़ी हैं। इस कारण मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आपके कथन को धन्यवाद परमपिता। आप स्वयं इस महायज्ञ में संचालन पद स्वीकार करें। दक्ष, इस संसार के योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति सदाशिव, वे तुम्हारे जामाता भी हैं और यज्ञेश्वर भी। अतः उचित यही होगा कि इस महान कार्य के संचालन के लिए तुम महादेव से निवेदन करो। ब्रह्मदेव, शिव का नाम लेकर मेरे क्रोध को जागृत करने का प्रयास न करें आप। आपके कहने से मैंने उसे अपनी कन्या का दान अवश्य दिया है, किंतु वो भूत प्रेत और पिशाचों की सेवा स्वीकार करने वाला है। उस शमशान में वास करने वाले का महायज्ञ में क्या काम? मैं तो उसे आमंत्रित भी नहीं करूंगा। दक्ष, शिव क्रोध को जगाने का परिणाम तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। ऐसी भूल ना करो पुत्र। ये भूल नहीं, पृथ्वी के अधिपति दक्ष प्रजापति का अंतिम निर्णय है। शिव की अनुपस्थिति में तुम्हारे महायज्ञ का उद्देश्य ही अपूर्ण रह जाएगा पुत्र। उस उद्देश्य को आप पूर्ण करेंगे। असंभव। शिव का अपमान करने वाले के अनुष्ठान में हम उपस्थित हो ही नहीं सकते दक्ष। परमपिता, आप मेरी पुत्री दीति के क्रोध का परिणाम देख चुके हैं। यदि आपने मेरे महायज्ञ को अपना सहयोग नहीं दिया तो मेरे भयंकर क्रोध का परिणाम आपको यही अपितु सारी सृष्टि को भुगतना होगा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव सावधान। महाप्रभु, जगत पालक श्री हरि विष्णु को
नारद का प्रणाम। कहें देवर्षि नारद, आज क्षीर सागर का मार्ग कैसे भूल पड़े? नारायण नारायण, क्षीर सागर में विराजमान श्रीमन नारायण तो सदैव इस नारद के हृदय में विराजते हैं। उनके परम पावन दर्शनों के लिए इस दिन ही नारद को मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। नारायण नारायण। भूमिका बनाने में चतुर नारद, अपने आने का उद्देश्य तो स्पष्ट करो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हारे हृदय प्रदेश में विराजने वाले नारायण से जब तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई होगी, तभी तुम्हें क्षीर सागर वासी नारायण का स्मरण हुआ है। प्रभु, नारायण शब्द का तो उच्चारण मात्र ही हर समस्या एवं जिज्ञासा का स्वयं समाधान है, किंतु प्रभु अपनी बात निसंकोच कहो नारद। श्री हरि, परम देव अविघ्नेश्वर श्री महागणेश की कृपा दृष्टि होते हुए भी सृष्टि संपादन के कार्य में विघ्न एवं बाधाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? तुम्हारे जैसे परम विद्वान को यह प्रश्न पूछते देख आश्चर्य हो रहा है नारद। तुम इसे श्री महागणेश की लीला भी कह सकते हो। लीला? किंतु प्रभु, ऐसी लीला का उद्देश्य? नारद, लीला का उद्देश्य सदा ही जन कल्याण और सृष्टि उत्थान में ही निहित रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार से संघर्ष करने का अवसर प्राणी मात्र को हम महाशक्तियों की लीला के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नारायण नारायण। जो प्राणी अपने संघर्ष में इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो पूर्णता को प्राप्त करता है, और पराजित होने वाला आवागमन के चक्र में भटकता रहता है। किंतु हे श्री हरि, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री दिति को एक भयानक शक्ति संपन्न पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। नारायण नारायण। तुम्हारी भांति दक्ष भी ब्रह्मदेव का ही मानस पुत्र है। दक्ष का वरदान असफल नहीं हो सकता। समय आने पर देवी दिति एक प्रतापी पुत्र की माता अवश्य बनेंगी। परम पिता को नारद का प्रणाम स्वीकार। श्री हरि विष्णु को ब्रह्मा का प्रणाम। वैकुंठपति श्री हरि विष्णु, इस समय मैं दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित महायज्ञ योजना से उद्विग्न होकर यहां प्रकट हुआ हूं। धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन को लेकर कैसी उद्विग्नता ब्रह्मदेव? ये तो प्रशंसनीय कार्य है। उद्विग्नता आयोजन को लेकर नहीं है श्री हरि, दक्ष के स्वभाव को लेकर है। जिस संकल्प को साध कर वो महायज्ञ का आयोजन करने का इच्छुक है वो अनुचित है। इसी कारण हमें इस महायज्ञ में उपस्थित होना होगा, जिससे दक्ष की अनैतिकता को स्वयं वश में रख सके। मेरा कहा आप क्षमा करें श्री हरि, किंतु किसी की उपस्थिति से वश में रहना भैया दक्ष के स्वभाव में नहीं है। नारायण नारायण। हम दक्ष प्रजापति के स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं है नारद। कश्यप पत्नी दिति को माता बनने का वरदान देने वाले दक्ष के महायज्ञ से भविष्य की अनेक घटनाएं जुड़ी हैं। इस कारण हमें इस महायज्ञ में सम्मिलित होना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा श्री हरि। नारायण नारायण। सेवा भावना से हम अति प्रसन्न हैं। वास्तव में तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है देवी अदिति। धन्य तो मैं हो गई स्वामी। आपको पाने के लिए हमने श्री महागणेश की आराधना की थी। मेरी आराधना का कितना सुंदर प्रतिफल दिया है श्री महागणेश ने।
आपको पाकर मैं पूर्ण हुई स्वामी। अरे दुष्टा, अपनी पूर्णता और अपने स्वार्थ के लोभ में तू किसी अन्य को भी पूर्णता प्राप्त करने देगी अथवा नहीं? दीदी, सत्य को सुनकर इतनी उत्तेजित ना हो अदिति। तुम्हारे मोह जाल में उलझे इस पाखंडी के कारण मेरे महान पिता दक्ष प्रजापति का दिया हुआ आशीर्वाद कहीं व्यर्थ ना हो जाए। अपनी उत्तेजना पर संयम रखो दीदी। संयम? संयम रखने वाला स्वभाव नहीं है मेरा। तुम्हें उस परंपरा का ज्ञान करवाया जा चुका है ना कि जब प्रथम पत्नी अपने पति के समीप हो तब द्वितीय व अन्य पत्नियां वह स्थान छोड़ दिया करती हैं। इतनी अहंकारी और क्रूर ना बनो दीदी। तुमने अभी मेरी क्रूरता देखी कहाँ है? तुम इसी व्यवहार के योग्य हो। जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस अनुचित व्यवहार को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकता दीदी। मैं आपके क्षमा दान की आकांक्षी भी नहीं हूँ। आप मात्र मेरे पिता के आशीर्वाद को पूर्ण करने वाले एक माध्यम भर हैं। आपको इसी समय मेरे पिता के आशीर्वाद को सत्य करना होगा। उचित समय आने पर मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा दीदी। नहीं, आपको अभी इसी समय मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी। तुम ये भली भांति जानती हो, ये मेरे संध्या पूजन का समय है। मेरे लिए आप संध्या पूजन का बहाना बना रहे हैं, किंतु उस दुष्टा कुल कलंकनी अदिति के साथ प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे। मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा था दीदी। तो कुछ देर और प्रतीक्षा करें। संध्या पूजन में विलंब हो जाने से कोई पहाड़ नहीं टूट गिरेगा। तुम्हारे आग्रह के लिए ये उचित समय नहीं है दीदी। मैं आग्रह नहीं कर रही हूँ, मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ दीदी, जिसे आपको देना ही पड़ेगा। दीदी, मेरी बात समझने का प्रयास करो। संध्या समय में जब दो काल मिलते हैं तब ऐसा विचार मन में लाना पाप है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि संध्या काल में कैलाशपति भगवान शिव अपने गणों के साथ विश्व का भ्रमण करते हैं और ऐसे समय में ऐसा कार्य करने वाला शिव क्रोध का भागी होता है। शिव का नाम लेकर आप मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर रहे हैं। किंतु ये सत्य है दीदी। संपूर्ण विश्व में कैलाशपति शिव और उनके गणों को देखने के लिए हम और आप ही मिलेंगे क्या? भगवान शिव त्रिकालदर्शी है, उन्हें तीनों लोकों का ज्ञान रहता है दीदी। रहता होगा, किंतु मेरे लिए शिव मेरी छोटी बहन सती के पति हैं। वे मेरा अनिष्ट कदापि नहीं चाहेंगे। शिव जी को संबंध से नहीं, कर्म से प्रेम है। माता बनना हर नारी का निश्चित कर्म और सुनिश्चित अधिकार है। शिव उसमें आड़े क्यों आने लगे? शिव जी आड़े आते तो अब तक तुम बात क्यों रोकती? कहीं स्वामी, कहीं आप यही चाहते हैं ना कि मेरा सर्वनाश हो जाए? यदि आप उत्तर देने की इच्छुक नहीं है तो मेरी भी घोषणा सुन ले। या तो आप मुझे इंद्र और सूर्य से भी प्रतापी पुत्र प्रदान करें, या मैं इसी समय आपके सम्मुख अपना सर्वनाश कर लूंगी। समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये
इनसे जीवन यही है कर्ता, यही है कारण सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।